पोइम द वॉइस ऑफ द रेन फ्रॉम ऑर्बिन हियर द पोइट बार्ट व्हिटमैन एन अमेरिकन पोइट एसिस्ट एंड जर्नलिस्ट इन दिस पोइम द पोइट डिस्क्राइब द कन्वर्सेशन बिटवीन द पोइट एंड द रेन हियर द टाइटल द वॉइस ऑफ द रेन जनरली साउंड और वॉइस साउंड आवाज द रेन इज द साउंड बट हियर रेन इज पर्सोनिफाइड वॉट इज पर्सोनिफिकेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स हैविंग they are regarded, they are considered as having life. The rain is personified. So here the word voice is given. Voice, it means the human beings can speak, but the neuter things cannot speak. Here rain ko manvikit kiya gaya hai. और यह पर्सोनिफिकेशन डिवाइस का यूज किया गया है अलंकार का यूज किया गया है फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज किया गया है रेन की आवाज तो आती है साउंड लेकिन रेन बोलती नहीं है वॉइस 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 हम बोल रहे हैं वॉइस अगर कोई न्यूट्रल थिंग्स की तो वो रेन जैसे वर्षा है ना वर्षा को बोलना बताया गया इसलिए यहाँ पर रेन को पर्सोनिफाइड किया गया है इट इज कंसिडर्ड एज हैविंग लाइफ बिकॉज हियर द देयर इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ वॉइस इट मींस व्हाट इज द रेन सी वर्षा क्या कहती है व्हेन द पोएट पुट्स द क्वेश्चन व्हेन द पोएट आस्क द रेन जब आस्क द रेन यहाँ पर इमेजिनेशन भी है कि जो पोएट है वो वर्षा से पूछता है वर्षा को एक इमेजनरी कि ये वर्षा ऊपर से धीरे धीरे एलिगेंटली हो रही है बौछार मिड रेन लाइट रेन हल्की हल्की बौछार हो रही है उससे क्वेश्चन पुट करता है जब वो क्वेश्चन पुट करता है वर्षा से तो वर्षा जवाब देती है कि मैं कौन हूं अपने बारे में बताती है यहां पर जो वर्षा है उसे पर्सोनिफाइड किया गया है इन द होल पोइम पर्सोनिफिकेशन पर्सोनिफिकेशन का यूज है इसके बाद इन दिस पोइम द पोएट कंपेयर्स द सॉन्ग विद द रेन सॉन्ग की तुलना रेन से और रेन की तुलना सॉन्ग से करता है पोएट जो है गीत गाता है गीत तो सर्वत्र जाता है घूमता है उधर से जो सम्मान के तौर पर जो प्रेस प्रशंसा की जाती है और प्रशंसा के बाद में लौटता है यानी मतलब बहुत सारे लोगों तक गीत बहुत सारे लोगों के द्वारा सुना जाता है इसी प्रकार जो वर्षा है वर्षा का एक लाइफ साइकिल होता है वाटर साइकिल जिसे कहते हैं तो जो जर्नी है वर्षा की सबसे पहले फ्रॉम द वेपर वेपर से क्लाउड्स क्लाउड से फिर चेंज होके ट्रांसफॉर्म होके फिर से पानी फिर से वेपर वेपर कहाँ से आती है फ्रॉम द सी फ्रॉम द लेन फिर ये चेंज हुआ इट फॉल्स अ क्लाउड्स क्लाउड्स कहाँ गया आसमान आसमान में वो इधर उधर घूमा आफ्टर वॉन्डरिंग वर्षा शुरू हुई वर्षा के बाद पानी आया फिर से ये जो वाटर साइकिल है ये एवर लास्टिंग है ये अनएंडिंग है ये कंटिन्यूअसली ऐसा होता रहता है वर्षा का कार्य क्या है जो रेन है वो जो वाटर साइकिल है या जो पानी है ये जो जमीन पर आता है वर्षा होती है तो ये इट गिव्स द लाइफ टू द ड्रॉप इट मींस ड्राइड थिंग्स
और ये इट टू गिव इट हेल्प्स टू ग्रो द सीड्स इफ देयर इज नो वाटर द सीड डज नॉट ग्रो बीज अंकुरित नहीं होगा स्प्राउट नहीं होगा कहने का मतलब ये है कि जो वर्षा है वो इट गिव्स द लाइफ टू द अर्थ पृथ्वी को जीवन प्रदान करती है इट ब्रिंग्स द ग्रीनरी ये हरियाली लाती है इट कन्वर्ट्स द ड्राई लैंड्स इनटू द ग्रीन लैंड सूखी हुई भूमि को हरी भरी भूमि में चेंज करती है इन दिस वे देयर इज अ दिस इज द फंक्शन ऑफ द रेन रेन यहां पर सोनिफाइड किया गया है इसके बाद इसी पोएम में मेटाफर भी है मेटाफर व्हेन द टू थिंग्स आर कंपेयर बट देयर इज वन क्वालिटी सेम क्वालिटी जैसे पोएम पोएम कविता रेन वर्षा बोथ आर कंपेयर बट देयर इज सिमिलर देयर इज वन क्वालिटी सिमिलर व्हाट इज दैट क्वालिटी पोएम्स कम आउट फ्रॉम द हार्ट ऑफ द पोएम रेन कम्स आउट फ्रॉम द आउट ऑफ रेन कम फ्रॉम द स्काई आने का जहां से पोएम गई थी वही लौट के आती है दूसरों को दूसरे लोग सुनते हैं हर्ड अनहर्ड हियर अनहियर ये कोई परवाह नहीं कि मेरी कोई प्रशंसा कर रहा है मेरे को सुना या नहीं सुना सबको प्रसन्न करके सबकी इच्छाओं अपनी जो उसका लक्ष्य था उसको पूरा करके वो गाना फिर से वापस आया ठीक ऐसी वर्षा है वर्षा का काम है बरसना रियाली देना लाइफ प्रदान करना किसी ने उसकी प्रशंसा की या नहीं की फिर से उसी रूप में आती है जहां से गई थी समुद्र से गई थी पृथ्वी से गई थी जिस रूप में गई थी वैसी पुनः लौट के आती है तो यहाँ पर कंपेरिजन भी है और पर्सोनिफिकेशन भी है आई आई तो मैं कह सकता हूँ व्यक्ति कह सकता है पुरुष महिला मतलब कहने का फैमिली और मैस्कुलिन कैन यूज आई बट द न्यूट्रल थिंग्स कैन नॉट यूज आई बट हियर आई यूज फॉर द रेन इसलिए यहाँ पर आई को पर्सोनिफाइड किया गया है कि वर्षा कहती आई तो जो व्यक्ति आई पर्सन होगा पर्सन है ना एंड हैविंग लाइफ तो जीवन हो तब आई का यूज करेंगे सो देयर इज पर्सोनिफिकेशन नाउ एट यू आर टाउ टू आर टाउ इन दिस पोएम बार्ट विटमैन पुट्स द क्वेश्चन विद द रेन एंड रेन रिप्लाइज बट द आंसर ऑफ द रेन इज फुल ऑफ सरप्राइज इट इज फुल ऑफ स्टेंज इट स्टेंजली द पोएम डिस्क्राइब्स बिकॉज ही सरप्राइज दैट रेन आंसर्स इन दिस फर्स्ट लाइन एट टू आर्ट डाउ आर्ट इज आर डाउ यू सेड आई इन द फर्स्ट लाइन आई बट इट मे इट मीन्स द पोएम हिमसेल्फ Soft fading sword, soft falling sword. Sword, you know, light hand. Falling, धीरे धीरे गिरना, dropping gently. Soft falling. आप लोग देख रहे हैं, soft. मतलब कहने का repetition of the sound. Soft, soft. तो यहाँ जो consonants है ना? क्या दिया गया है? और इसके अलावा जो अलग तो इसमें जो क्या क्या पॉइंट है एलिटेशन रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड हो रही है सॉफ्ट सवर आगे समझे एलिटेशन तो यहाँ सॉफ्ट सवर नेक्स्ट लाइन में स्टेंज टू टेल तो यहाँ डबल टाइम टी एंड हू आर डाउन आई द सेड आई द सॉफ्ट फॉलिंग स्वर स्टेंज टू टेल यह इट मींस बताने में अजीब सा लगता है यानी मतलब स्टेंजली इनफ जो कुछ जवाब था विच स्टेंजली टेल गिव मी एन आंसर यानी जो उसने आंसर दिया वो बताने में बड़ा अजीब सा लगता है जो बहुत ही विचित्र बात है उसने मेरे को जवाब दिया बारिश ने जवाब दिया वर्षा ने जवाब दिया लेकिन बताने बड़ी अजीब सा लगता है बट इट
that it is changed enough. The rain replies, मैंने क्या पूछा? Who are you? कौन है आप? The poet puts the question to the rain. Rain replies, but it is very surprising. It is very strange to tell. As here, translated. Explaining, जो चीज बताई गई, what is told by the rain? That is translated here. उसी का यहाँ अनुवाद किया गया है, उसी को बताया गया है, उसी को स्पष्ट किया गया है. क्या कहती है? I am the poem of earth. The rain replies, I am the poem of earth. यहाँ पर poem की तुलना rain से है और rain की तुलना poem से है. इसलिए इस लाइन में मेटाफर भी है. और I am the poem of earth. यहाँ पर personified भी है I. तो कहता है I am the poem of earth. मैं पृथ्वी की कविता हूँ. Poem हूँ. Poem कौन है? Rain. Rain कौन? Poem. Poem कहाँ से आती है? From the poet sir. Rain कहाँ से आती है? From the earth. Heaven. From the sky. लेकिन दोनों आती हैं. कहती है I am the voice of earth. Said the voice of rain. जो वर्षा की आवाज थी उसने क्या कहा? मैं पृथ्वी की कविता हूँ. मैं पृथ्वी की कविता हूँ. एक बार मेरा जन्म पृथ्वी से हुआ है. मैं पृथ्वी की हूँ. मैं पृथ्वी से आती हूँ. Eternal arise implacable out of the land. Eternal continuously लगातार. Eternal शाश्वत भी कहते हैं, सनातन भी कहते हैं. लगातार I rise, मैं उठती हूँ. Implacable ऐसे उठती हूँ जैसे कोई मुझे, जैसे पास है. From it rises, दिखाई नहीं देती, इसको छुआ नहीं जा सकता. I express, it means that cannot be touched. Implacable हूँ मैं, सूक्ष्म रूप में हूँ मैं, अब अस्पृश्य हूँ मैं. आउट ऑफ द लैंड, और मैं कैसे उठती हूँ? लैंड से. एंड द बॉटमलेस सी. बॉटमलेस इट मीन्स फैदमलेस. फैदमलेस माने डीप, वेरी डीप, वेरी वेरी डीप. अगार बहुत गहरा. कहता है कि मैं लगातार पृथ्वी से और समुद्र से, अगार समुद्र से, समुद्र अगार आ गया है. सूर्या देर हाइपरबोल मतलब उसकी गहराई को पता नहीं कितना गहरा समुद्र है, इसलिए इसको अगार कहा गया. हाइपरबोली है. द थिंग्स आर डिस्क्राइब्ड नहीं हाई दे दिया इन रियलिटी, जितनी होती है वास्तव में उससे ज्यादा उनको बड़ा चढ़ा के कहा गया है. इसलिए समुद्र की आखिर तो कहीं ना कहीं उसका बॉटम होगा, लेकिन उसको बॉटमलेस कर दिया, फैदमलेस कर दिया. कहता है कि मैं उस समुद्र से, अगार समुद्र से और जमीन से, मैं सूक्ष्म रूप में एक्सप्रेस, कहते हैं एक्सप्रेस जो जिसे छुआ ना जा सके, इस रूप में लगातार पृथ्वी से और समुद्र से निकलती हूँ. राइज होती उठती हूँ. अपार टू हेवन किधर जाती हूँ? उस स्काई की द रेन द वेपर राइजिस फ्रॉम द अर्थ एंड सी टुवर्ड्स द हेवन. हेन्स जब वहां पहुंच जाती है आसमान में, तो हेन्स इट मीन्स जहां से, फ्रॉम हियर वॉबली फॉर्म टूगेदर. वॉबली इट मीन्स आई स्पष्ट नॉट क्लियर. फॉर्म आर टूगेदर, फॉर्म का मतलब एक तरह से कोई आकार. तो बास्ट क्या होती है? क्लाउड्स. क्लाउड्स और वो अनक्लियर क्लाउड्स होती है. टुगेदर चेंज, यदि उसका मेरा व्यापक से क्या बने? क्लाउड्स फॉर्म, क्लाउड्स निर्माण हुआ. और क्लाउड्स क्या होती है? सब ऑल टुगेदर मतलब पूरी तरह से, कंप्लीटली चेंज, पूरी तरह से बदलती है. पास्ट से क्या हुआ? क्लाउड्स फ्रॉम वेपर द क्लाउड्स आर फॉर्म येट द सेम.
सर, कहता है एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी। वर्षा कहती है, अपना कार्य बताती है, क्वेश्चन दिया है कि व्हाट डज द फ्रेज स्टेज टू टेल, स्टेज टू टेल पहली लाइन में है कि इस स्टेज टू टेल का मतलब क्या है। तो आप लोग अभी मैं बता भी रहा था कि जो स्टेज टू टेल है उसका मतलब है कि इट मे बी सीन वेरी स्ट्रेंज। क्या स्ट्रेंज लग सकता है? द रेनड्रॉप आंसर्ड इन ह्यूमन वॉइस, रेनड्रॉप द वॉइस ऑफ रेन, इट मींस द रेन आंसर्ड इन ह्यूमन वॉइस। मैंने कहा था कि वर्षा की साउंड होती है लेकिन टाइटल है वॉइस, और वॉइस केवल ह्यूमन वॉइस की हो सकती है। तो ये बड़ा विचित्र सा लग सकता है, इट मे सीन वेरी स्ट्रेंज दैट द वॉइस रिप्लाइज इन ह्यूमन वॉइस, अंडरस्टैंड व्हिच ओनली द पोएट कुड अंडरस्टैंड, कहने का द वॉइस ऑफ द रेन कुड बी अंडरस्टूड बाय द पोएट। इसलिए स्ट्रेंज टू टेल है, ये बड़ी बताने बड़ा विचित्र सा लगता है, बताने बड़ा विचित्र सा लगता है, बड़ी विचित्र सी बात है। तो ये बात मेरे समझ में आई, क्या बताया मैंने आपको कि जो स्ट्रेंज टू टेल है ये साउंड है, एक नोट है, ये एक आश्चर्यजनक एक्सक्लेमेशन है, आश्चर्य की बात है। पोएट जो है कहता है कि उसे आशा ही नहीं थी वर्षा से, he had not expected to get the answer from the rain in human voice, in human voice he had never expected that the rain would answer in the human voice, कि वर्षा जो है मानवीय आवाज में मेरे को जवाब देगी। तो it is, it may be strange that the poet get the answer in human voice। अब ये है, what does the rain call हर्षेल का पोएम होता, तो पोएम जो रेन है वर्षा है वो अपने आप को क्या कहती है, अर्थ पोएम ऑफ अर्थ, मैं पृथ्वी की कविता हूं। तो पृथ्वी की कविता क्यों कहती है वो, इसलिए पृथ्वी कविता कहती है, मैंने बताया आप लोगों को कि जो रेन है उसका बर्थ प्लेस क्या है, बर्थ प्लेस का मतलब जन्म स्थान, कहां से वे रेन आती है, सबसे पहले वेपर कहां से बनता है, लैंड से, सूरज की गर्मी से, जमीन से, समुद्र से, नदियों से पास बनती है। तो उसका बर्थ प्लेस कहाँ है, बर्थ प्लेस सी, और क्या है लैंड, ये सब उसके बर्थ प्लेस है। उसके बाद ये जो इट इज द लवली एंड म्यूजिकल चाइल्ड ऑफ द अर्थ, और ये बड़ी सुंदर सी जब वर्षा होती है तो म्यूजिकल होती है ना, म्यूजिकल चाइल्ड ऑफ द अर्थ है। तो यहाँ पर हाई डेज द रेन कॉल, तो रेन जो है वो प्रोड्यूज, रेन कहाँ से प्रोड्यूस होती है, कहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है, इट्स बर्थ प्लेस इज द सी एंड द अर्थ, अंडरस्टैंड, एंड इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द अर्थ एंड लैंड, अर्थ एंड सी, लैंड एंड सी। अब सी पे क्या है, लैंड पे क्या है, रिवर्स है, अदर थिंग्स हैं, तो वहाँ से ये रेन जो है अपने आप को रेन कॉल्स हर्षेल द पोएम ऑफ अर्थ बिकॉज इट ऑरिजिनेट्स है ना फ्रॉम द लैंड एंड सी। दूसरी भाषा में इट्स बर्थ प्लेस इज लैंड एंड सी। इसके बाद दिया गया है पॉइंट, दिया है टू वॉइसेस इन द पोएम, सिंपल सा है कि दो आवाजें किसकी हैं, एक आवाज पोएट की है और एक आवाज कोई रेन की है। तो दिया है टू वॉइस, फर्स्ट वॉइस ऑफ द रेन एंड द अदर पोएट, ठीक। इसके बाद क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द रेन नरेट द स्टोरी ऑफ हर बर्थ एंड फंक्शन, बर्थ की स्टोरी कैसे बताती है, उसका जन्म कैसे होता है, किसका, वर्षा का। तो वर्षा का जन्म है जो रेन है, आपको बताया मैंने रेन जो है कहां से होती है, रेन राइजिस कहां से होती है, फ्रॉम द अर्थ, और वो किस रूप में होती है, जब अर्थ से आती है, इट कम्स फ्रॉम द अर्थ, इट राइजिस फ्रॉम द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ वेपर, ये बाष्प के रूप में आती है फ्रॉम द लैंड एंड सी, अर्थ से, और उसके बाद जो है ये किस रूप में जाती है, इट इज चेंज या इट फॉर्म्स या इट टेक्स ऑन द शेप ऑफ द क्लाउड्स, और क्लाउड्स का इट टेक्स द शेप ऑफ द क्लाउड, ये क्लाउड्स का रूप लेती है। उसके बाद क्लाउड्स पे संपूर्ण स्काई में घूमते हैं और पे जो है पानी में बदल जाती है, दे वांडर इन द होल स्काई एंड दे चेंज इन टू द वाटर, दे चेंज इन टू द वाटर, दे डिजॉल्व इन टू द वाटर, जब वाटर में चेंज होंगे तो फिर से बर्थ प्लेस पे आ जाते हैं, दे रिटर्न टू दियर बर्थ प्लेस, इन दिस वे
When the rain, when it begins to rain, या when rain comes, जब वर्षा आती है, तो it gives the life and divinity to the dry earth. पृथ्वी को क्या करती है? हरियाली प्रदान करती है, life प्रदान करती है. तो ये बात हमारी समझ में आई होगी कि जो पृथ्वी है, ये जो क्वेश्चन मैंने पुट किया है कि जो वर्षा है, वो वर्षा अपने जीवन की कहानी कैसे बताती है? तो the rain, नहीं the vapor rises from the land and and ocean and sea, you can say sea, understand, then it takes the form of the clouds, dark clouds, dark clouds, understand, the clouds wander in the sky and they dissolve into the rain, they dissolve into the water and the water comes on the earth and it provides the greenery to the earth, it beautifies the earth. Understand, it purifies the many things on the earth. In this way, this is the function of the rain. That's the last question. How does the rain benefit the earth? Kis prakar laabh pahunchati hai? Aap log dekhenge. And all them in the without me we are seeds on latin. Kehta hai, I descend to the yogyan. Apart to having hands verbally formed together. Change radiate the same. Yahan tak mujhe padha paya abhi. तो आई डिसेंड, जब अब आसमान से नीचे उतरती है तो डिसेंड होती है, फॉल डाउन होती है, तो वेपर के रूप में ऊपर गई थी और जब नीचे उतरेगी तो वाटर के रूप में, ये वाटर साइकिल है, उसका जो कंटिन्यूअस साइकिल है ये. आई डिसेंड यानी बाष्प, फिर बादल, अपन बाष्प बादल अपन, तो ये कंटिन्यूअस साइकिल है, ये वाटर साइकिल है उसकी. तो कहती है, तो वर्षा कहती है, ये वर्षा का रिप्लाई है, यदि आई डिसेंड टू लेव, लेव का मतलब बास धोना, नहाना, डिसेंड नीचे उतरना, फॉल डाउन, ड्रॉथ, ड्रॉथ का मतलब सूखा, सूखा का मतलब जो सूखे स्थान है, एटोमीज, एटोमीज का मतलब स्मॉल पार्टिकल, टाइनी पार्टिकल, टाइनी पार्टिकल, छोटे छोटे कण, डस्ट क्लियर, डस्ट माने जो धूल की जो परतें हैं, ग्लो, ग्लो माने भूमंडल पृथ्वी. कहती है वर्षा जब आती है ऊपर से तो क्या क्या करती है, वो वर्षा जो है सूखे स्थानों को और छोटे छोटे कणों को तथा धूल की जो परतें हैं भूमंडल पर, संपूर्ण भूमंडल पर, उनको नहलाती है, उनको पास करती है, धोती है उन्हें. एंड ऑल दे इन दे, और जो भी इस भूमंडल में, जो भी इन चीजों में, जो भी निहित है, ऑल दे इन इन दे, क्या होता है, विदाउट मी, कहती है वर्षा मेरे बिना इस पृथ्वी पर चाहे कोई भी चीज क्यों ना हो, जो कुछ चीजें मी वी आर सीड ऑन, कहता है जो सीड है, सीड का मतलब होता है बीज रूप में ही बने रहते हैं, इवन जो बीज है बिना पानी के स्प्राउट नहीं होंगे, अंकुरित नहीं होंगे, ऑरेंज नहीं होंगे, प्रोड्यूस में ग्रो नहीं होंगे. तो कहती है कि वो जो सीड है ओनली लेटेंट अनबोर्न, अनबोर्न का मतलब होता है अजन्मा, अजन्मा. तो यहाँ पर कहती है कि वे डिड नॉट जर्मिनेट, जर्मिनेट नहीं होंगे, उत्पन्न नहीं होंगे, अंकुर नहीं होंगे, फिर ऑल दैट इन देम विदाउट मी, कि जो कुछ है इस भूमि पर, भूमंडल पर, पृथ्वी पर, वो विदाउट मी, मेरे बिना वी आर सीड्स होंगे, बीज के रूप में बने रहेंगे, लेटेंट, लेटेंट माने छिपना, हिडन अनबोर्न, और वे हिडन बने रहेंगे, छिपे रहेंगे, जब तक किसी बीज को पानी नहीं मिलेगा वो जर्मिनेट नहीं होगा, उत्पन्न नहीं होगा. तो विदाउट वाटर द सीड्स कैन नॉट जर्मिनेट एंड दे वियर ऑलवेज इन द सेम पोजीशन, और वे हमेशा उसी पोजीशन में बने रहेंगे. एंड फॉरएवर, इसकी फॉरएवर माने सदैव, फॉर ऑल फ्यूचर, फ्यूचर टाइम, अनंत काल तक, ऑलवेज कहता है सदैव, डे बाय डे एंड नाइट, डे एंड नाइट रात दिन, इट मींस एवरी टाइम, कहता है आई गिव लाइफ टू माय ऑन ऑरेंज, ऑन ऑरेंज, ऑरेंज का मतलब जहां से मैं आई थी, जहां मेरी उत्पत्ति हुई थी, जहां मेरा जन्म हुआ था, जो मेरा बर्थ प्लेस है, इसका मतलब लैंड एंड सी, तो जो हमारे बर्थ प्लेस है उनको मैं गिव बैक लाइफ, मैं उन्हें जीवन प्रदान करती हूँ, गिव बैक लाइफ करती हूँ टू माय ऑन ऑरेंज, जो मेरी उत्पत्ति के क्षेत्र है, जो मेरे बर्थ प्लेस है, जो मेरी उत्पत्ति जहां से हुई है वहां मैं जीवन प्रदान करती हूँ. एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई, और मैं उनको प्योर करती हूँ, शुद्ध बनाती हूँ, एंड ब्यूटीफुल, ब्यूटीफाइड सुंदर बनाती हूँ इसको, उस अर्थ को, और उस अर्थ
पर जो भी चीजें हैं उनको मैं क्या करती हूँ, सुंदर बनाती हूँ। इस प्रकार नेक्स्ट डे आई विल